बातमीला सत्याचा आधार म्हणजेच निर्भीड विचार। ने तो बचपन से जो प्याज खाई है ना, वो आपके पसीने से बनी हुई प्याज खाई है। हम तो आप ही के यहां से आती थी जो प्याज, उसी पे गुजारा करते थे। जिन किसानों ने बचपन से मुझे प्याज खिलाई है, उन किसानों का भला करने के लिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार कभी कोई कमी नहीं रखेगी। बस इंतजार कीजिए 15 अक्टूबर का, इंतजार कीजिए 15 अक्टूबर का। आप देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनते ही इस सरकार की गलत नीतियों के कारण मेरे कपास पैदा करने वाले किसानों को जो नुकसान हो रहा है, मेरे प्याज की खेती करने वाले किसानों को नुकसान हो रहा है, उन सारी नीतियों को बदल दिया जाएगा और दिल्ली और महाराष्ट्र मिलकर के मेरे किसान भाइयों की समस्या का समाधान हम करके रहेंगे। भाइयों, हमारे देश में कहते हैं, अगर किसी का नमक खाते हैं ना, तो फिर इस नमक की इज्जत रखी जाती है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अगर किसी का नमक खाया तो नमक की इज्जत रखी जानी चाहिए कि नहीं रखी जानी चाहिए? अगर मैंने आपकी प्याज खाई है तो आपकी इज्जत रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? आपके कपास से बने कपड़े पहने हैं तो आपकी इज्जत रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपकी इज्जत ये हमारी इज्जत है। आपका सुख ये हमारा सुख है। हम कांग्रेस की तरह झूठे वादे करने वाले लोगों में से नहीं है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के नेता मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन, इस मुद्दे पर कितने चुनाव पर वादे करते गए? कांग्रेस ने हर चुनाव में वादा किया है कि नहीं किया है? मुझे बताइए, वादा किया कि नहीं किया है? कहीं पर भी एक इंच पटरी लगी क्या? कहीं पर रेलवे स्टेशन के लिए कोई ईंट लगी क्या? अरे इतना छोड़ दो, जमीन पे उन्होंने